संज्ञा बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों दिए गए वाक्य पढ़िए। हमने हिंदी में बातचीत की। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ताजमहल यमुना के किनारे है। इन वाक्यों में हिंदी विशेष भाषा का, हिमालय विशेष पर्वत का, ताजमहल विशेष इमारत का और यमुना विशेष नदी का नाम है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस आदि। जातिवाचक संज्ञा, बच्चों चित्रों के नीचे दिए वाक्य पढ़िए। मक्खियां गंदगी फैलाती हैं, कंप्यूटर खराब हो गया, घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी, नेता, घर आदि। भाववाचक संज्ञा, बच्चों दिए गए वाक्य पढ़िए। मनीषा को प्यास लगी है, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। यहाँ प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं, यानी कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, क्रोध, मित्रता, दया, वीरता आदि। बच्चों, कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। यहां दिए गए वाक्य पढ़िए। भारतीय सेना आगे बढ़ी, बच्चों की टोली नाचती है, यहां कूड़े का ढेर लगा है। इन वाक्यों में सेना, टोली और ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, भीड़, परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर,
मंडली, जुलूस आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, यहां दिए गए वाक्य पढ़िए। ये हार सोने का है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। रोटी पर घी जरूर लगाना। इन वाक्यों में सोना, पेट्रोल, घी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते। इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय आदि।